हेलो जी। और आज जो हम आप लोगों से बातें शेयर करेंगे ना, हो सके तो पूरी गहराई से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक हम किसी बात को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम उसे अपने जीवन में या अपनी किसी भी चीज़ में उसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना? जैसे कि मान लो हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, ठीक है ना? छोटा सा पौधा हम बाजार से लाते हैं या बीज ही लाते हैं, मान लो एक बीज ही हम लाते हैं, ठीक है ना? तो क्या वो बीज तुरंत आपको फल दे देता है, तुरंत आपको उसमें फूल खिल जाते हैं? नहीं ना, समय लगता है, ठीक है? और वो सबसे बड़ी बात होता है, जब हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो जरूरी बात कि हम उसे बाहर ही लगाएंगे, है ना? तो जब हम बाहर लगाते हैं तो उसे धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर चीज की मार उसे सहनी पड़ती है ना, एक नन्हे से पौधे को। तब जाकर वो कहीं पनपता है और फूल खिलता है, राइट? ठीक वैसे ही ना हमारी जिंदगी में भी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ चीजें तो आपको सिखा कर जाएंगी, कुछ चीजें होगा जिससे आपकी आप अनुभव ले सकते हैं, और कुछ चीजें होंगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अब आप पे निर्भर करता है कि आप अप्लाई करोगे कि उसे सीखोगे, ठीक है, या वो चीज हमें सिखा कर गया है। तो कुल मिलाकर हमारी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए अच्छा ही होता है, है ना? क्योंकि अगर कोई चीज आपको सिखा रहा है तो आपकी लाइफ के लिए या आने वाले कल के लिए अच्छा ही है, और आप उससे कुछ सीख ले तो आगे आपके काम आएगी वो अनुभव, है ना? तो इस तरह से भी आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना? और यदि आपके साथ कुछ घटना घटती है या कुछ कहीं मान लो हो जाता है बाई चांस, तो वो आपको एक सीख मिलती है कि लाइफ में आप कभी भी कोई काम भी करो ना तो सोच समझ कर करिए, और पूरी निष्ठा और लगन के साथ करिए। क्योंकि पता है जो काम में आप पूरी निष्ठा, लगन, और सबसे जरूरी होता है विश्वास। अगर आपके काम में विश्वास रहेगा ना तो आप यकीन मानो आपका काम देर से ही सही पर फलेगा और फूलेगा, ठीक है? तो रिश्तों में भी ऐसे ही होती है, रिश्ते भी तभी फलते फूलते हैं ना जब उसमें एक दोनों के प्रति क्या हो, विश्वास, प्रेम और प्यार। अगर ये सब चीजें नहीं होगी ना तो रिश्ते भी नहीं चलते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आपको अपने काम में या किसी चीज में भी अगर आपको सही चाहिए, या आप कह सकते हो कि आपका काम अच्छे से हो, ठीक है ना, तो मानती हूँ उसके लिए पैसे जरूरी है, पैसे तो चाहिए देंगे, तो बिना पैसों के तुम कोई काम नहीं कर सकते। पर उससे भी जरूरी होती है पता है क्या, लगन, निष्ठा और विश्वास। आपको जब ये विश्वास रहेगा ना कि अरे ये काम तो मैं कर सकता हूँ, चाहे लाख लोग दुनिया वाले या कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी कहे, पर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और उस ऊपर परमात्मा पे। जब आपको अपने काम पे और उस माता रानी पे परमात्मा पे विश्वास रहेगा ना तो आप काम करोगे ही करोगे, चाहे लाख आपको लोग आपके कामों में खूबियां निकाले या जो कुछ भी निकाले, आपके काम में अड़चन भी आए, पर अगर आपको विश्वास है ना कि मेरा काम नहीं रुकेगा, नहीं अटकेगा, काम होगा ही होगा ना, तो यकीन मानिए वो ऊपर बैठा हुआ भी ना आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए पता है, विश्वास, लगन। जो आप काम कर रहे हो ना उसके साथ पूरी की पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करिए, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, अपने माइंड पे उसे प्रभाव मत पड़ने दो, ठीक है ना, उसे इग्नोर मानो। आप कहो कि हाँ मेरा ये काम होगा 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 होगा, क्योंकि कहते हैं ना जब पॉजिटिव वे में भी अगर बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं अफर्मेशन कहो या जो कहो वो गॉड के पास जाता है। तो इसलिए हम जो अपनी जुबान से बोलते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं सरस्वती जी का वास होता है। तो इसलिए आप जब भी किसी के लिए अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो ना तो बुरा भी मत बोलो, पर कहते हैं ना कि आप जो किसी दूसरों के लिए बोल रहे हो ना वो वापस आपको लौट कर आएगा, एक न एक दिन आएगा। तो इसलिए आप अच्छे बोलो, और यदि नहीं बोल सकते हो तो चुप रहना चाहिए, ठीक है ना? किसी के लिए भी गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? तो यही कहना था कि अगर हम कोई चीज भी अगर लगाते हैं, चाहे काम हो, चाहे आप कुछ भी करो, या आप यूट्यूब ही ले लो, जब तक आप किसी काम को पूरी लगन, निष्ठा और विश्वास कर नहीं करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यही कहना था, आई थिंक आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, और यदि आपको इसमें से थोड़ी सी भी बात अगर आपको अच्छी लगे
और यदि अच्छी ना लगे तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, जिनको अच्छी लगेगी वो देखेंगे, ठीक है। और यही कहना था। और आज नवरात्रि की दूसरी माता रानी का आज पूजा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत लोगों से व्रत भी रखे होंगे, माता रानी करे आप सभी का व्रत अच्छे से हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।